हेलो गाइस, मैं विभा, आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। आज हम आपको वेज पनीर मोमोज बना करके दिखाएंगे, जो कि बिना लहसुन प्याज के तैयार होगा। कोई भी फंक्शन पड़ता है, त्यौहार पड़ते हैं, व्रत पड़ते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के साथ में बनेगा ये। तो कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, आपको सब दिखाते जाएंगे। और बहुत आसानी से बनने वाला, बहुत जल्दी से बनने वाला ये हेल्दी मोमोज तैयार होगा। तो कैसे क्या बनना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आप इसको देखिए हमने कैसे बनाया है। तो ये टेस्टी टेस्टी मोमोज का रेसिपी आपको कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हम आपको इस तरीके से मोमोज बना के दिखाएंगे बिना लहसुन प्याज के। इसमें हम पनीर भी यूज़ करेंगे। ये वेज पनीर मोमोज रेडी होंगे बन करके, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट में होंगे, बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे आपको बता रहे हैं। ये हमने शिमला मिर्च लिया है, बहुत बारीक कट किया है, और ये थोड़ा सा हमने गाजर लिया है, और ये पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी थोड़ा बड़ा भी चलेगा, बारीक होगा तब भी चलेगा, ठीक है, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। और ये हमने थोड़ा सा पनीर लिया है, पनीर आप ज़्यादा कम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसको प्योर पनीर से नहीं बनाया है, इसमें मैंने सब्जियाँ भी यूज़ की हैं। सब्जी इसमें और भी आप डाल सकते हैं, जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं। बहुत सरल तरीके से हम आपको बताएंगे बनाना, और जो भी इसमें मसाले यूज़ करेंगे, जो भी स्पाइसेस पड़ेंगे, वो सब हम आपको बीच बीच में दिखाते जाएंगे। तो इस पनीर को थोड़ा सा हम ऐसा मैश करना है या कद्दूकस करना है, जैसे आपकी इच्छा हो आप कर लें इसको। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। और इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, और हमें इसमें कुछ नहीं डालना है, और ये सारी सब्जियां डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। ये इसमें हमने गरम मसाला इसलिए खाली डाला है कि अगर आप हल्दी भी डाल देंगे और धनिया भी डाल देंगे तो वो सब्जी वाला टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें एक तो हमें हल्दी प्रयोग ही नहीं करनी है, और दूसरी चीज़ है कि जो मसाले हम डालेंगे इसमें इस समय डालेंगे जिससे कि फ्लेवर बरकरार रहे। तो इसमें हमें अभी क्या डालना है, अब गैस को हम तेज ही रखेंगे, और थोड़ा सा हम तीखी वाली मिर्च डाल देंगे, और थोड़ी सी पिसी धनिया डाल देंगे, और इसी में हम अब और मसाले डालेंगे, लेकिन अब ये बेसिक मसालों में हम यही डालेंगे और कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी इसमें नमक डालना है, तो पहले तो हम इसमें टमाटो सॉस, चिली सॉस जो भी डालना है डालने के बाद ही इसमें नमक देखेंगे कैसा है, कितना चाहिए तभी डालेंगे। अब इसको आप गैस की फ्लेम को तेज ही रहने दीजिए, और इसी तेज गैस की फ्लेम में इसको हमें फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसे हमें सॉफ्ट करना है बस, और बहुत ज़्यादा इसको हमें पकाना नहीं है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है ये। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, वो आप देखिए इसमें कौन कौन से मसाले हम डालेंगे। ये चिली फ्लेक्स है, ऑर्गेनो है, शेजवान सॉस है, आपके पास हो तो आप डाल दीजिए करीब 2 चम्मच, बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। और आप अगर ये चीज़ें अवॉइड करते हैं तो रहने दीजिए, आप केवल टमाटो सॉस और चिली सॉस वगैरह डाल दीजिए। करीब हम 2 चम्मच इसमें टमाटो सॉस डालेंगे, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, और ये 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। सब चीज़ों का अपना अपना फ्लेवर है, जिसको जो फ्लेवर ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा तभी आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि सब चीज़ों में नमक था, तो इसीलिए हमने बताया है आपको, पहले आप नमक ना डालिएगा। और अब हम थोड़ी देर गैस को बंद कर देंगे, जिससे कि हमारा ये मटीरियल ठंडा हो जाए, फिर हम इसमें पनीर मिलाएंगे। अब ये लगभग ठंडा हो गया है, अब इसमें हम इस पनीर को मिक्स कर देंगे। बस मिक्स करने के बाद इसको हम किसी प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, कर लिया है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप में फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम मोमोज बनाने की तैयारी करते हैं। अभी हम चकला बेलन ले लेंगे, और उस पर ही छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। इस तरीके से इनको करने के बाद में थोड़ा सा इस पर हम सूखा आटा डाल करके
और इनको इस तरीके से थोड़ा सा चुन कर देंगे। अब इनको हम बेलेंगे। ये हमारी रेडी हो गई हैं इतनी सारी लोइयां और इनको हमें बेल लेना है। पापड़ पहले बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। लगभग पापड़ बनाना सभी को आता है, छोटी छोटी पूड़ियां जैसी बनानी है। ये इतनी सारी हमने पूड़ियां जैसी तैयार कर ली है, इसके पापड़ तैयार कर लिए, अब इनको हम भरेंगे। तो कई वीडियोस हमने अपलोड की है जिसमें हमारा आपको सब पूरा तरीका मिल जाएगा मोमोज बनाने का, तो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। और बस इसको हम बहुत ऑर्डिनरी तरीके से हम इस तरीके से चुन डाल करके और बस यूं इसको हम घुमा देते हैं, इसे ट्विस्ट अप कर देंगे, तो ये अपने आप ही बहुत खूबसूरत मोमोज बन करके रेडी हो जाएगा। ये अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बना लेते हैं मोमोज, इनको कुछ भी बनाने में दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं। लेकिन जो ये हमने आपको बताया है ये आप कभी भी कोई भी लहसुन प्याज ना खाने वाला हो और आप बना सकते हैं इसे। ज़्यादातर लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से बनाइए बिना प्याज लहसुन का, और पनीर भी डाल दीजिए तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट हो जाता है। ये देखिए मोमोज में बहुत तरीके के आते हैं, मावा भी मोमोज में हम यूज़ करते हैं और नारियल के बुरादे से भी बनाए हैं मोमोज, और सब में टेस्ट अलग रहता है, सब भी बहुत अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे हम सारे मोमोज आपको बना के दिखाएंगे, बस आप ऐसे ही बनाते जाइए। और स्टीम करना है इनको, भी हम दिखाते हैं। ये पानी खोल गया, इस तरीके से कढ़ाई में हम पानी खोला लेंगे। आपके पास जो भी सुविधा हो आप उससे बना सकते हैं। और ये हम एक स्टैंड रख देंगे उसमें, और इसमें कोई ऐसे ही प्लेट रख देंगे, छन्नी रख देंगे, बस पानी नीचे से इसमें टच नहीं करना चाहिए। और इसमें हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया है। हम क्या करते हैं कि जैसे ये मोमोज हमारा है इसको हम इस तरीके से रखते हैं, ये वाला भाग मोटा होता है और ये पतला होता है, तो इधर से पकने के बाद में हमको पलट के नहीं करना पड़ता है, एक ही बार में हो जाते हैं और ये चिपकते भी नहीं और फटते भी नहीं इस तरीके से है। और इधर काफ़ी स्किन पतली होती है तो इसलिए ये जल्दी फट जाते हैं, तो आप ऐसे ही रखा कीजिए। हमेशा ही ऐसे ही इसको रखते हैं, हमेशा इसी तरीके से रखने से बहुत आसानी से निकल आते हैं और ख़राब भी नहीं होते मोमोज। और इसको हम ढक देंगे, केवल 5 मिनट के लिए ढकेंगे और हमारे मोमोज बनकर रेडी हो जाएंगे। देखते हैं मोमोज को, ये देखिए आप हमारे रेडी हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इनको हमें बार बार पलटना नहीं है क्योंकि एक ही बार में बन करके रेडी हो गए हैं। ये देखिए आप इस तरीके से, आप अगर रखना चाहते हैं उनको तो सीधा भी ऐसे भी रख सकते हैं। तो इनको हम सर्व करेंगे। ये हमारे मोमोज बनकर रेडी हो गए हैं, आप बनाइए। आप चाहें तो आप सीधे भी रख सकते हैं और चाहें तो आप पलट के भी रख सकते हैं, बस थोड़ा सा पलट के रखने में बैठ जाते हैं ऊपर से, और कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में ऐसे बना सकते हैं, कोई आता है तो आप सीधे रख करके बना सकते हैं। तो ये हमारे अमेजिंग टेस्टी मोमोज बनकर रेडी हैं, बनाइए अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।